आइए हम शुरू करते हैं। हम अदरक का हलवा बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये अदरक लिया है जो 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम पहले हम इसे छील लेते हैं इस अदरक को, उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसे हम छीलते हैं स्पून के एजेस से, हम ऐसे करके इसके स्किन को, क्योंकि ठंड में जो अदरक आता है उसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो ईजिली साफ़ भी हो जाता है। तो ऐसे करते हुए हम इसको साफ़ कर लेंगे। आइए हम पहले इसको पूरी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। इसके स्किन को मैंने कट करके साफ़ कर लिया है और इसे पीसेस से मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब हम इससे पेस्ट बना लेते हैं। तो मिक्सी ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट तैयार है और अब हम आइए हलवा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल के, मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स है, इसे हम भून लेते हैं। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिया है। आप जो चाहें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसे हम निकाल लेते हैं। ये 3 टेबल स्पून घी है, इसे हम डाल देते हैं। मैं घी इसमें इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ठंड है, ठंड में घी खाना थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको इसमें डाल रहे हैं। ये जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था ये भी डाल देते हैं सारा। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो पानी एकदम लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। ये जो आप देख रहे हो हमारा अदरक अच्छे से भून रहा है, जब इसे बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लगेगी तो फिर हम अदरक जो है जब अच्छे से भून जाता है, कम से कम हमें इसे भूनने में 5 मिनट लगा है और जो मेरा फ्लेम था गैस का वो बिल्कुल ही लो था। आप देख सकते हो जो इसके झाग थे वो बिल्कुल कम हो गए हैं और हमारा अदरक भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 कप आटा मिला लेंगे। ये 1 कप आटा है, इसे हम डाल देते हैं। 1 कप आटे में मैंने इसमें 50 ग्राम आटा को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तो इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। आटा जो हमारा है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चीनी मिला लेते हैं। तो मैंने ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम चीनी रखा है। अब अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हैं। हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा जब चीनी मेल्ट होने लगे तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा चीनी है वो मेल्ट होने लगा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम पूरा 1 बैग पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर हम 1 बैग पूरा डाल देंगे तो वो एकदम थिक बन जाएगा, जो वो हलवा नहीं रहेगा वो तो एकदम वो हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे हम मिला लेते हैं। इसमें 1 कप पानी लगा है। मैंने पहले 1/2 कप डाला था लेकिन उससे पूरा मिक्स अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैंने 1/2 कप और डाला। अब ये 1 कप पानी में अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमारे पास ड्राई फ्रूट कटा हुआ था उसे हम डाल देते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब हम आइए इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, अदरक का हलवा तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।